नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। क्या पाकिस्तान भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, यहाँ पर यह भी देखना होगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं कादम्बिनी शर्मा। क्या पाकिस्तान एक बार फिर से भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, उम्मीद कर रहा है कि इस तीसरे टर्म में पीएम मोदी के हो सकता है कि पिछली बातें भुलाकर भारत एक बार फिर से दोस्ती जो है उनकी स्वीकार कर ले। असल में ये बात इसलिए चल पड़ी है क्योंकि नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक पोस्ट डाला है। उसमें उन्होंने कहा है कि तीसरी बार आपका चुना जाना आपके लोगों का आपके प्रति विश्वास दर्शाता है और ये जो मौका है उसमें जो नफरत है उसको हटाकर उम्मीद के साथ इस मौके का इस्तेमाल करते हुए दक्षिण एशिया के 20 लाख लोगों की किस्मत जो है उसको संवारना चाहिए। ये नवाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक ट्वीट है। इससे ये लग रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान को उम्मीद है कि शायद तीसरे टर्म में अब भारत जो है वो उनके दोस्ती के हाथ को स्वीकारेगा। भारत साफ कह चुका है कि जब तक लगातार इस तरह से आतंकी हमले चलते रहेंगे तब तक वो पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा और कई काफी वक्त से पाकिस्तान के साथ रिश्ते जो है वो ठंडे बस्ते में हैं। इसके पहले शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी ट्वीट किया था। तो उनका बड़ा एक लाइन का ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि फेलिसिटेशंस टू नरेंद्र मोदी ऑन टेकिंग ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कुछ इसी प्रकार की बधाई यहां से भी उनके शपथ लेने के बाद, सत्ता संभालने के बाद वहां पर पाकिस्तान में दी गई थी। लेकिन जो नवाज शरीफ का जो बयान है वो बिल्कुल अलग किस्म का है और एक तरह से उम्मीद उनकी जो है वो साफ दिखाता है कि पाकिस्तान जो फिलहाल बेहद खराब आर्थिक हाल से गुजर रहा है तो वहां पर एक उम्मीद भारत को लेकर भी है कि अगर भारत से रिश्ते बेहतर होते हैं तो उनके लिए भी काफी कुछ ठीक होगा। इसलिए लगता है कि अब एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। एक उम्मीद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये भी थी कि अगर बहुत मेजॉरिटी के साथ प्रधानमंत्री बीजेपी जो है वो वापस सत्ता में आती है तो शायद पाकिस्तान के लिए एक जगह बनेगी। लेकिन एक बार फिर से जब थर्ड टर्म में पीएम मोदी ने शपथ ली है पीएम के तौर पर तो एक उम्मीद पाकिस्तान को बंधी हुई है कि उसके लिए भी ये एक बेहतर वक्त साबित हो सकता है। हालांकि जब यहां पर दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उसी वक्त वहां पर जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें कई लोग मारे गए और भारत जो है वो लगातार यही कहता रहा है कि जब तक आतंक जो पाकिस्तान से हुआ है प्रायोजित होता रहा है कई वर्षों से, जब तक उस पर लगाम नहीं लगेगी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो दोनों जो शरीफ भाई हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, दोनों ने बाकी नेताओं के बाद ये बधाई संदेश भेजा है। बधाई संदेश आने तो तभी शुरू हो गए थे जब चुनाव का नतीजा आया था। कई देशों के, 70 से ज्यादा देशों के नेताओं ने बधाई दी थी और आज जब शपथ ग्रहण समारोह कल समाप्त हो चुका है उसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ने बधाई दी है। तो जहां पर एक प्रधानमंत्री के तौर पर वैसे ही बधाई दे रहे हैं जैसे उनको बधाई दी गई थी, उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अपनी पार्टी पीएमएलएन के चेयरमैन के तौर पर नवाज शरीफ ने जो बधाई दी है उसमें कहीं ज्यादा उम्मीद पाकिस्तान की भारत के लिए झलकती है कि एक बार फिर से भारत जो है उनके बढ़ाए दोस्ती का हाथ को थाम लेगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।